Good morning. Mama. Mama. Hello everyone. Good morning. Welcome back to my channel. Hope आप सब अच्छे होंगे. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. तो जस्ट मैं अभी उठी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 6:15. आजकल जल्दी ही आँख खुल जा रही है. 6 बजे के बाद तो नींद ही नहीं आ रही है. बहुत कम कि 6 बजे के बाद उठना हो रहा है. और जैसे ही मैं नीचे आई, मम्मी नहीं है. पता खेत चले गए होंगे. आजकल वो खेतों में बीन्स वगैरह बीजे ना, तो उसकी गुड़ाई वगैरह चली हुई है. तो मम्मी चले गए. अब मैं उठ के अपना रूटीन शुरू करती हूँ. वो है गर्म पानी पीने से. और मम्मी ने पानी गर्म करके रखा हुआ. मम्मी तो शायद बहुत पहले उठ गए थे. है ना, मैं सादा पानी नहीं पीऊंगी आज. हम पियेंगे, हमारी बोली में बोलते हैं इसको माको जीरा, लोकल जीरा जो होता है उसका पानी. बोलते ये पानी ना बहुत अच्छा होता है पीने से, खाली पेट में, पेट के लिए वगैरह. अगर आपको पेट में दर्द है, गैस है, और जैसे पीयर्स क्रैम्स वगैरह, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, ऐसा बोलती मेरी मम्मी. आज मम्मी ने ये बना के रखा हुआ, तो यही हम लोग बाहर जाके पियेंगे. तो मस्ती करते हैं ठीक है के साथ. अंदर है कुर्सी. नहीं बैठो, मैं बात कर रहे हैं. अरे बैठो, कहाँ जा रहे हो? अरे कुर्सी कहाँ है भैया? पटरा था, पटरा दे दो. पटला दे दो. चलो गप मारते हैं जाके के साथ. ये घर यहाँ है. हाँ. ये घर लाला के पास है, तो घर बस से जा रहा है. तो थोड़ी देर ऊपर जो ठेकेदार भैया है उनके साथ गप्पे मार. तो नाउ इट्स टाइम कि चाय पियूं. और मम्मी चाय भी बना के गई है, बताओ. मम्मी सब कुछ कर ली गई है. तो अब थोड़ी सी पीते हैं चाय. चाय भी लेती हूँ. एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट में सब्जी तो है रात की, अभी मैं चपाती बनाऊंगी. फिर दादा दादी को भी मैं ब्रेकफास्ट खिला के आती हूँ. और मैं कल रात को नानी के पास नहीं गई थी सोने, क्योंकि मामा जी आ गए हैं. अब हमारी अटरिया पे आजर सवरिया, देखा देखे जाने को तो खाली चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, उसके साथ कुछ ना कुछ खाना चाहिए. बात दिखा देती हूँ. अच्छा मम्मी, तो अब मैं बना लेती हूँ चपाती, फिर चलते हैं दादा जी के पास. गुड मॉर्निंग अम्मा. गुड मॉर्निंग जी. आ गए आप खेत से? तो ब्रेकफास्ट हो गया है, रेडी. दादा दादी को खिला कर रखती हूँ. तो मैं आई ठीक है आई दे दे. बाय 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 जी. तो मैं और मम्मी भी अब ब्रेकफास्ट कर लेते. दादा जी को खिला कर आए थे हम पर से भी. तो अब मैं चलती हूँ, मेरा कुछ अनफिनिश्ड काम है जो मैं परसों से करती आ रही हूँ, वो अब तक भी खत्म नहीं हुआ है. मतलब जो एरिया मैंने करना था वो तो कर दिया. अभी मुझे टॉप वाले एरिया में भी करना है, वहाँ पर भी ग्रिल लगे हुए हैं. और मम्मी दादी को नहलाने वाला है, तब तो तक मैं अपना काम कर लेती हूँ. मम्मी अपना अपना काम कर रहे हैं सारे. मिस्त्री बजाज लगे नहीं, क्योंकि वो लोग दूसरी जगह काम करने गए हैं मामा जी के घर. यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है व्यू. तो भी इन ग्रिल्स में लगाना है मुझे.
और छत में चूल्हे भी सुखाया मम्मी ने। जहाँ जहाँ छाया है वहीं करूँगी, धूप वाले यहाँ से पहले तो धूप है देखो सब जगह। और इस वाले मैंने किया था काम, यहाँ पर देखो तो इतना सा मैंने कर दिया यहाँ से लेकर वहाँ तक, बाकी बाद में करूँगी। और मेरी हालत देखो, पेंट पेंट हो गया, मुँह में भी लग गया। और मम्मी मुझे कब से बुला रही, चाय पीने आओ चाय पीने आओ, तो जाती हूँ चाय पीती हूँ, थोड़ा हाथ हूँ साफ करती हूँ इससे। पेंट करी थी ना, पेंट मेरे पापा जी भी आ गए। नमस्कार जी, तो लाइट चली गई और इस लाइट को पता नहीं क्या हो रहा है, पक 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 करे जा रहा है। तो पापा के लिए बना लेते हैं चाय, और पापा को लग रही है नेक्स्ट लेवल गर्मी, चले गए बाहर, बोलते हैं बाहर लाने में मैं जा रहा हूँ। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ना क्या पता फैन फून भी लग जाएगा हमें, अभी तो फैन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बट जिस तरीके से इस साल गर्मी है ना फैन की जरूरत पड़ने वाली है आगे जाके, मुझे ऐसा लगता है। तो आजकल हमारे गांव में चूल्हे खुमानी का सीजन चला हुआ है, एंड मेरी दीदी खुमानी लेके आई है और मैं उनके घर जा रही हूँ खुमानी लेने। हमारे तो खुमानी है नहीं, इस साल एक भी नहीं है ऊपर खुमानी, बताए हमारे ऊपर वाले बगीचे में एक भी खुमानी नहीं है मम्मा, एक भी खाली नहीं हो, बर्फ से सारा टूट गया, एक भी नहीं है ऊपर। अच्छा थैंक यू। तो मैं अभी दीदी के घर जाके खुमानी लेके आती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे खुमानी चूल लेने जा रहे हैं, तो आई चुन भी अभी हमारे खुमानी ला रहे कि चूली ला रहे चुन, देखो ये देखो चूली चूली आई चुन, और ये देखो खुमानी कुछ तो ज़्यादा पके हुए ना, हमको ले जाने जो ये थोड़े थोड़े अच्छे पके हुए, बहुत मीठा है बोल दी दीदी। तो इतना जैसा काफ़ी है, ये लेके चलती हूँ मैं। टन टन लो जी खुमानी खाओ, यही था भाई, इससे ज़्यादा लेतक पैतक था। पकड़ो माँ जी, ये पकड़ो सारी, हाथ दर्द रहे तो अब हो गया है लंच बनाने का समय। तो आप लोगों को पता है पापा आ गए, तो जब पापा आ जाते हैं ना तो खाना बनाने की ड्यूटी से हमको मिल जाती है छुट्टी। तो पापा बना रहे हैं दाल चावल, मैं बस दादा दादी को खाना छोड़ने जाऊंगी। वाह आपका खाना इतना टेस्टी है बाबा जी, सच में बहुत यम्मी। तो जब तक पापा खाना बनाते हैं मैं बने पीने धो लेती हूँ। बस बाबा बोलते कि बर्तन भी मैं ही धो लेता हूँ, तो मैं नहीं यार बाबा रहने देता तो मैं कर सकती हूँ।
इतना भी लाड़ प्यार मत रखो मुझे। ये लो खाना। ओ जी फिर बाय, मैं भी खाना खाती हूँ। ओके ओके बाय बाय। इट्स टाइम फॉर मी टू स्लीप, बट आज फिर सोना नहीं पड़ेगा। आजकल मैं दो तीन दिन में सो नहीं पा रही हूँ। सुबह मुझे नींद सी आ रही थी, अभी नहीं आ रही है। तो चलो थोड़ा सा घर का मैसअप है, उसको क्लीन करते हैं मैं और मम्मी। मैंने नया बेड बनवाया है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी तो बहुत मैस है, वो दिखा नहीं सकती हम लोगों को। जब थोड़ा सा क्लीन अप सा हो जाएगा ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा बेड बनवाया। मम्मी का काम स्टिल ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये सारा जो मैस है सब क्लियर करना है। काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और ऊपर से गर्मी और ऊपर से पसीना हुआ है। तो हमारा लगभग काम हो गया, रजाइयों में कवर चढ़ाने वाला काम रह गया थोड़ा बहुत। बस और अब हमारा हो गया है चाय पीने का टाइम, तो अब हम चलते हैं और चाय बनाते हैं। तो ये है मेरा लो बेड जो मैंने अभी बनवाई, 8 इंच इसकी हाइट है और ऐसा है इसका लुक। और ये बेड बॉक्स वाला है, मतलब 8 इंच में बॉक्स वाला बेड है। थक गई, अब जाके चाय पीती हूँ। मम्मी ने चाय बना ली है, मैं थोड़ा ये क्लीन अप कर रही थी ना, अब चाय पीते थोड़ा रेस्ट करते हैं। बहुत थक गई मैं तो आज। कहाँ सुना है, हाँ सिलेट के थकी में बहुत। क्या मैं करूँगी अभी? ना, अभी मैं इतना थक गई हूँ, आप कैसे बोल रहे हो? मैं नहीं करूँगी अब, मैं तो बहुत थक गई अब। अब वो सुबह होगा, सुबह पापा आप खुद करना, आप जाके ऊपर हो। सब छत पे है, कम रुकिए। पापा को तो मना कर देते कि मैं नहीं जाऊंगी करने, बट चाय पी के 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं फिर से आ गई छत पे ये वाला काम कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि जो मैंने लगाए थे इसके बैक साइड में नहीं लगाए थे, तो अभी मैंने सोचा चलो बैक साइड में कंप्लीट कर देती हूँ। तो मैं बस अभी अभी अपना जो पेंट वाला काम है वो करके आई, और जितने में मैं आई तो उतने में पापा ने खाना तैयार कर दिया। तो जब से पापा आया ना, मेरे को सबसे सहूलियत है कि खाने की टेंशन नहीं होती कि क्या बनाना है, क्योंकि पापा जी बना के बाहर अंधेरा होने वाला। तो आपको लग रहा होगा मेरे सर पे ये टॉर्च क्यों है। एक्चुअली मम्मी पानी लगाने गए हैं और रात हो जाएगी, तो वो डर रहे हैं। तो अभी भैया आए और उन्होंने बोला कि मम्मी बुला रहे हैं वहाँ पे, जो खुदमसे वाला खेत है हमारा, वहाँ पे मम्मी के साथ जाती हूँ क्योंकि अकेले उनको डर लगता है। तो टॉर्च लेके जाऊँगी, क्योंकि आजकल ना पानी गर्मी ज़्यादा होने से पानी थोड़ा कम हो गया है, तो रात में भी लगाना पड़ रहा है। तो अभी मैं जाती हूँ मम्मी के साथ हेल्प करने, टॉर्च लेके। हेल्प तो क्या, बस टॉर्च लेके जाना है। पहली बार मैं ऐसे रात में जा रही हूँ पानी के लिए, आजकल मैं कभी गई नहीं। और मम्मी वहाँ पर है, देखो ध्यान रख जाना ये। तो पानी अभी भी लग रहा है, अब थोड़ा थोड़ा कम हो गया, शायद बंद करने चले गए हैं, क्योंकि मेन सोर्स के पास पानी बंद करने जाना पड़ता है। तो मम्मी अभी भी खेत में पानी लगा रहे हैं और मैं यहाँ थोड़ा दूर बैठी हूँ, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि मुझे अकेले डर लगता है, कोई साथ ही चाहिए। तो पानी भी अब लगभग लगभग ख़त्म होने वाला है। अम्मा पानी अब ख़त्म हो रहा है, कम हो गया, यहाँ से आवाज़ कम आ रहा है। ठीक है अम्मा, ठीक है। तो बस 10 या 15 मिनट और हम लोग पानी लगाएंगे, उसके बाद हम घर को जाएंगे। तो रात के 9 बज गए और अब पानी बंद हो गया, अब हम जा रहे हैं घर। तो रात के 9 बजे मैं और मम्मी आराम कर रहे, बताओ। नहीं मुझे थोड़ा आराम करेगी, मैं बहुत थकी हूँ। ठीक है, तो बस अब हम इसके बाद घर जाएंगे, खाना खाएंगे और सीधा सो जाएंगे। तो आज के ब्लॉग को बस यहीं पर ही कंप्लीट करती हूँ, रात के अंधेरे में खेतों के बीच में।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय ग्रामा।